रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती ने अब एक बहुत ही बड़ा और इमोशनल पोस्ट लिखा है सुशांत के लिए। किस तरह से उनकी ज़िंदगी में सुशांत थे, सुशांत उनके लिए क्या मायने रखते थे, सुशांत ने उन्हें क्या क्या सिखाया। और वो कहते हैं कि तुम अपनी एक अपनी बैटल लड़ रहे थे, उसके बावजूद तुम सभी को प्यार बांटते फिरते थे। और ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने शेयर की है। क्या कहना है शौविक का, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो को बताऊंगी। शौविक ने सुशांत के साथ दो तस्वीरें शेयर की है, रिया के भाई ने, ये कंपनी में डायरेक्टर भी थे, इनका भी जो है बयान दर्ज किया गया। और उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा है, वो कहते हैं तुम यहाँ पे नहीं हो, हर छोटी छोटी चीज़ पर तुम मुस्कुराते थे, तुम खुलकर जीने में विश्वास रखते थे और एक कंपैशन था तुम में, तुम अपनी ही एक बैटल लड़ रहे थे, उसके बावजूद जो है तुम हर जगह प्यार फैलाते थे, प्यार बांटते फिरते थे। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तुमने मुझे ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखना सिखाया है। अब मैं तुम्हारे नज़रिए से ज़िंदगी देखने लगा हूँ, जीने लगा हूँ, लेकिन अब मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि तुम जो है हमारे बीच में नहीं हो। यू मेड मी लिव विद योर पर्सपेक्टिव, यू आर विजन टू चेंज द वर्ल्ड। आई डेंट थिंक एनी थिंग, आई डोंट थिंक एनी थिंग आई से विल सफाइस द रिलेशनशिप वी शेयर माई ब्रदर। आई लुक अप टू यू एंड आई लुक अप टू द स्काई। और मुझे बिलीव है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अब जब मैं तुम्हारे बिना स्काई पे में देखता हूँ तो मुझे किसी टेलीस्कोप को की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आसमान में सबसे बड़ा और चमकता हुआ सितारा है वो तुम हो। तुम्हें हमेशा मेरे गट पे विश्वास था और अब मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि तुम जहाँ हो बेटर प्लेस में हो, लेकिन मेरे अंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि तुम हमारे बीच में नहीं हो। तुम एक एपिटोम ऑफ इंटेलिजेंस थे, ओनली इफ आई कुड चेंज न्यूटन्स लॉज एंड ग्रेविटीज यू बैक हेयर। काश मैं ये सब बदल सकता, न्यूटन के लॉ को बदल सकता और तुम्हें मैं वापस ले आता। मुझे यकीन है कि तुमने तो है अब गैलेक्सी में ब्लैक होल, गैलेक्सीज ये सब देख लिया होगा, सबको एक्सप्लोर कर लिया होगा, सिटिंग विद यूअर इवनिंग चाय एंड वॉचिंग द सन राइड बिसाइड यू। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं होगा, मैं आज भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल भर आता है। मैंने आज तक ऐसे इंसान को नहीं देखा जिसका दिल इतना बड़ा हो, जो इतना स्ट्रांग हो। आज तुम्हारी मूवी रिलीज हुई है और एक बार आखिरी बार वी कैन ऑल सिट एंड वॉच द ग्रेटेस्ट परफॉर्मर ऑफ ऑल टाइम एंड सेलिब्रेट हिम फॉर एवर। रेस्ट इन पीस मेरे भाई, जय शिव शंभु। तो उन्होंने इस पोस्ट को महादेव के जय शिव शंभु के साथ एंड किया है। हर कोई जानता है कि सुशांत जो है वो महादेव के, शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने लिखा है रेस्ट इन पीस मेरे भाई। बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है, जिस तरह की बॉन्डिंग उन लोगों ने शेयर की, क्या क्या सीखा क्या क्या नहीं, लेकिन एक बात कही उन्होंने कि तुम अपनी यहाँ पे जो बैटल लड़ रहे थे मुझे मालूम है, उसके बावजूद तुम प्यार फैला रहे थे, सबको प्यार बांट रहे थे। तो इस तरह से शौविक ने एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट सुशांत के लिए शेयर किया है और ये पहली बार होगा जब उन्होंने अपनी चुप्पी जो है सुशांत के लिए तोड़ी है। 1 मई के बाद पहली बार जो है उन्होंने पोस्ट डाला है, 2 दिन पहले सुशांत की फिल्म रिलीज हुई उस दिन।